एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। भगवान महावीर की निर्वाण भूमि पावापुरी में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभा में सूबे बिहार के सभी 35 जिले के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा की अध्यक्षता बीसीए के अध्यक्ष गोपाल बोहरा के द्वारा किया गया, जबकि मंच का संचालन सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह के द्वारा की गई। इस मौके पर बिहार के सभी जिलों में खेल मैदान का की व्यवस्था कराने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सत्र के लिए 6.5 करोड़ का बजट को मंजूरी दी गई, जिसके माध्यम से क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए संसाधन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में अपनी उपलब्धियों को बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज बिहार में क्रिकेट अपना देश स्तर तक पहचान बना चुका है, जिसके लिए हमारा एसोसिएशन निरंतर खेल का आयोजन करा कर लड़के और लड़कियों को प्रोत्साहित कर रहा है। नालंदा से सूरज कुमार की रिपोर्ट। करीब करीब जैसे उसमें क्रियान्वयन का तो ये बात है कि कोई नई बात अगर आती है तब उसका क्रियान्वयन की बात है। अब जैसे पिछले साल जो हम खर्च किया आए हम एसोसिएशन के द्वारा खर्च जो हुआ उसका ब्यौरा जो हमने गतिविधियाँ की उसमें सेक्रेटरी रिपोर्ट और यही सब रहता है। हम सब तो खंड की बात ऐसी है कि जिला बात नहीं, हम लोग गाँव जगह पर मैदान के लिए जमीन देख रहे हैं, उपलब्ध हो रहा है, कहीं कहीं हुआ भी है, उसका प्रक्रिया है, उसमें जो प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जो है तो फिर हमारा प्रयास है कि हर जिले में मैदान कम से कम एक मैदान को विकसित किया जाए। इस बार कितने का बजट पारित किया गया? बजट तो है 6 करोड़ से ऊपर का है, 6.5 करोड़। देखिए साल में एक बार हम लोग एजीएम करते हैं, पिछला साल में हमने एजीएम यही किया था, शायद आप भी उसमें आते हैं। और हम लोग जो भी साल भर अपना कार्यक्रम करते हैं उसका लेखा जोखा सब हम लोग यहाँ रखना पड़ता है, और आने वाले समयों के लिए जो हम लोग बना के लाते हैं बजट हो या और जो भी कार्यक्रम हो इसमें हम लोग पारित तो है कि जो पिछले लोकपाल थे चूँकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था इसलिए हाउस ने दूसरे लोकपाल की नियुक्ति करने का निर्णय लिया। जब तक नियुक्ति नहीं होती है तो हमारे चीफ अफसर हैं मिस्टर बीके जैन, उनको कार्यभार दिया गया है। सारी नई चीज़ों को जैसे डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है समूचे बिहार में, और अब तो हम लोग को बीसीसीआई फंड भी देने लगी है, उसके आधार पर हम लोग अब जल्द से जल्द बहुत सारे जिलों में एक साल तो होने में संभव नहीं है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे।